भाई आईसीआर के रिजल्ट में तो है ना इतना ज्यादा वेरिएशन है जितना तो हमने इवोल्यूशन के चैप्टर में नहीं देखा है। एक बच्चे को 5,000 रैंक पे आपको आराम से एग्रीकल्चर मिल रहा है और राजस्थान का वो ही बच्चा जहाँ 5,000 रैंक पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यार बहुत गलत हो रहा है राजस्थान के बच्चों के साथ में, तो नाइंसाफी हो रही है। एक्चुअली में इसका क्या रीजन है और ये क्या सिस्टम है जिसकी वजह से राजस्थान के बच्चों को इतना अच्छा रैंक होने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला है, कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जो भी बच्चे राजस्थान से हैं या फिर एबीसी ग्रुप से हैं उनके लिए विशेष तौर पे ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाकी ग्रुप वालों के लिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही तुम रिजल्ट देखोगे, राजस्थान के बच्चों ने सुबह से मेरे को बहुत बच्चों ने कॉल मैसेज करके बोल दिया कि सर मेरे को 3,000 रैंक पे भी कोई कॉलेज नहीं मिला है, मुझे 5,000 रैंक पर हॉर्टिकल्चर भी नहीं मिला है। ठीक है, और राजस्थान में SC ST कैटेगरी के बच्चों को 7,000 पे एग्रीकल्चर मिला है, 8,000 पे एग्रीकल्चर के कॉलेज नहीं मिला है, 8,500 पे नेचुरल फार्मिंग फॉरेस्ट्री जैसे कोर्स मिल रहे हैं। हालांकि जब लास्ट ईयर आप देखोगे तो 13,000-13,000 पे मैंने खुद ने आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाए थे कि BSc एग्रीकल्चर मिला था, लेकिन यार इस साल ऐसा क्यों? पहली चीज तो मैंने क्लियर की थी कि एबीसी ग्रुप वालों का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, उस फंडे को एक साइड में रखो। दूसरा एक चीज और समझाता हूं, अब एबीसी ग्रुप वालों के लिए कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी, तो वही पहली चीज थी कि पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे 56 की 56 कॉलेजें फिल कर रहे थे, लेकिन एबीसी ग्रुप वालों के लिए वहां कॉलेज में 42-43 कॉलेज आ रही थी। उस टाइम कहां गए थे भाई तुम्हारे कोचिंग वाले, क्यों नहीं बोल रहे थे बच्चों के एडमिशन के लिए, क्यों बोलते हैं? मैं एकमात्र संस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर GL सर को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने हमारे साथ में भी मिलकर प्रयास किया था और जो भी एबीसी ग्रुप के बच्चे थे उनके लिए बोले थे, नवसारी और आपकी सरदार कृष्णनगर दंतीवाड़ा जूनागढ़ 3 यूनिवर्सिटी को ऐड करवाया था। उसके बाद हमने बहुत सारे कॉलेजों के लिए और भी प्रयास किया था, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। बात जब राजस्थान के एबीसी ग्रुप के बच्चों के लिए आती है तो हॉर्टिकल्चर के लिए दूसरे बच्चों के लिए 25 कॉलेज जाते थे, राजस्थान के बच्चों के लिए 10 से 12 कॉलेज जाते थे। भाई तुम कॉलेज जिसकी लो कट ऑफ जाती है वो कॉलेज तुम फिल नहीं करोगे तो तुम्हें कोर्स कैसे मिलेगा? पहला चीज तो ये फंडा क्लियर कर लो कि एक किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टेट का 40% का क्राइटेरिया होता है। लाइक दैट एक यूनिवर्सिटी है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है 100। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, उस यूनिवर्सिटी या फिर आईसीआर का रूल होता है कि एक स्टेट के 40% से ज्यादा बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या फिर आईसीआर की टोटल सीटों पर 40% से ज्यादा एक स्टेट के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, ये उनका एक क्राइटेरिया है। अगर वो चीज किसी बच्चे को समझ में आई है तो वो समझ जाता है कि राजस्थान का कट ऑफ क्यों ज्यादा गया है। लेकिन काफी बच्चों को ये रूल फॉलो होने के बाद भी उनके साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। ठीक है, एक लड़का जो बिहार का था उसकी 6,000 रैंक थी। ठीक है, उसको आपको EWS कैटेगरी में BSc एग्रीकल्चर मिल गया PD के भी जैसे। ठीक है, और एक राजस्थान का बच्चा जिसको 3,000 रैंक पे भी एग्रीकल्चर मिलना मुश्किल है, एक राजस्थान का बच्चा 4,800 रैंक पे हॉर्टिकल्चर नहीं मिला, उसके भी EWS कैटेगरी। आखिर इसका सीधा मुद्दा यही है कि आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके स्टेट से 40% से ज्यादा स्टूडेंट, जैसे मान लो आईसीआर के अंदर टोटल 5,300 सीट है, 40% सीटों के ऊपर एक स्टेट का दबदबा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आपका चाहे कितना भी रैंक है आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब काफी बच्चे ये बोल रहे हैं मेरा दोस्त भी राजस्थान से था, उसका रैंक तो मेरे से थोड़ा ज्यादा था, उसको फिर भी वो कॉलेज मिल गई। दोस्त ग्रुप कॉम्बिनेशन का फर्क पड़ता है, एबीसी ग्रुप वाला 42 कॉलेज भर रहा है, वो तुम्हारा जो दोस्त था वो 56 कॉलेज भर रहा पीसीबी ग्रुप से। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब दूसरी चीज और क्लियर कर देता हूं, वो है आपका सेकेंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड, क्या कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी? बिल्कुल रैंक गिरेगा, हर बार बोलता हूं 1500 से 2000 रैंक का फर्क रहता है। ठीक है, और उस दरमियान आपका अगर रैंक थोड़ा ऊपर नीचे है कॉलेज नहीं मिला तो टेंशन मत लो,
सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए जाओ, फोर्थ राउंड के लिए जाओ, मॉपअप राउंड के लिए जाओ, फाइनली आपको कॉलेज मिलेगा अगर आप अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस फिल करते हो। काफी बच्चे मुझे पता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि कॉलेज नहीं मिला, तो बेटे टेंशन लेने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने रूल बनाया है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। अगर एक ही स्टेट के सारे बच्चे भर देंगे तो दूसरे स्टेट वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। आईसीआर में राजस्थान के बच्चों ने इतना दबदबा बना लिया, ये क्लियर चीज है। अब जिन बच्चों का रैंक बहुत ज्यादा, मैं पहले बता रहा था 10,000 12,000 से ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, वापस से प्रिपरेशन में लग जाओ। तैयारी कहां से करें, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन ने अपना नया बैच है वो स्टार्ट तुरंत किया है और बहुत जल्दी अगला बैच स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों को लग रहा है सिलेक्शन नहीं हुआ है, रैंक में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन तो ऐसे दिख रहा है जैसे इवोल्यूशन के चैप्टर में नहीं है, लेकिन बेटा कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा वापस से और जो रूल है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी रहोगे एक रूल और एक जो इनका डेकोरम मेंटेन होता है उनको तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। हर स्टेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट पे सारी चीजें आती है, कैटेगरी पे चीजें आती है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर बताया था 19,000 तक तेलंगाना के SC ST कैटेगरी को बच्चों को गुजरात जैसे टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, लेकिन वही राजस्थान के बच्चे जिनको इस साल 8,000 पे एग्रीकल्चर के कॉलेज नहीं मिल रहे, सीधा फंडा आता है एक स्टेट का 40% क्राइटेरिया। और सबसे पहली चीज कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन था क्योंकि सीटें बेटा 5,300 ही है, ठीक है। अगर 5,300 तक रहेंगे तुम सेफ हो, उससे ज्यादा डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेते हैं, ठीक है। सीटें भी देखा करो, कट ऑफ दूसरे बच्चों का मत देखा करो, एक हर जगह चीज होती है उनको मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कट ऑफ चेंज होता है। आई होप ये सारी चीजें समझ गए हैं, और भी कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आई होप ये जो भी चीजें मैंने समझाई है कट ऑफ से रिलेटेड, राजस्थान के बच्चों के लिए कट ऑफ बेटा ज्यादा गया है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, अगले राउंड के लिए वेट करो, ठीक है। थर्ड राउंड के लिए वेट करो, फोर्थ राउंड के लिए वेट करो, जरूर आपको कॉलेज मिलेगा। आई होप अगर इसके अलावा भी किसी के कोई डाउट रहेंगे तो मैं फिर भी क्लियर करूंगा, पर आई होप डाउट तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से राजस्थान के बच्चों का कट ऑफ ज्यादा गया था, बाकी कोई फंडा नहीं था। और ये चीजें जो बच्चे समझ गए हैं वो तो बिल्कुल सोचेंगे नहीं, और जिनको नहीं समझ में आई है वो वही समझेंगे। दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर देना, राजस्थान के बच्चों का कट ऑफ ज्यादा क्यों गया है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है वो, और आईसीआर सीटों को अलग अलग स्टेट वाइज उन्होंने डिवाइड करके रखा है, हालांकि तुम्हें वो नहीं बताते किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी शीट है स्टेट वाइज, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिवाइड करके रखा, उसके अकॉर्डिंग वो शीट अलॉट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे तो बहुत दूसरे मतलब स्टेट के भी थे ना, उनको भी तो कॉलेज अच्छे रैंक पे अच्छे मिले, लेकिन जो ये थोड़े रूल थे, हालांकि मुझे ये रूल अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, जो रूल्स उन्होंने बना दिए हर साल फॉलो होते हैं तो फॉलो करने पड़ेंगे। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ हुआ तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, और आपको क्या करना चाहिए इनके लिए वो भी हम जरूर बताएंगे। फिलहाल मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।